हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ बंस रोड, जो कि मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना था, क्योंकि दिन में तो वैसे ही शॉप्स बंद होती हैं, जो कि स्ट्रीट फूड इतना बंद रहता है, रात में ही खुलता है। बट हम दिन के अंदर आए हैं और यहाँ पर हम फूड सेंटर ट्राई करेंगे पहले। सो अभी पहले हम जा रहे हैं फूड सेंटर, और वैसे हमने यहाँ पर सॉफ्ट रोल की भी ब्रांच ओपन हुई है, तो उसको भी टेस्ट करना है, उसको भी ट्राई आउट करना है। सो यहाँ पर पहले हम चलते हैं बंस रोड, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीट मशहूर है, और इस स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा खाने अलग अलग मिलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बंस रोड पे, ये है फूड सेंटर जहाँ पर हम जा रहे हैं, और ये इनका मेन्यू है। और आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो बनाई है। अगर आपको भी यहाँ पर ट्राई आउट करना है तो आप ये पूरा मेन्यू देख लें कि यहाँ ये कितनी प्राइजेस में चीज़ें मिलती हैं। बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी, बहुत ज़्यादा इनकी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। बारबेक्यू, चाइनीज़, हर कुछ है इनके पास। सो डू ट्राई इट आउट। एंड जो इनका नीचे का सेटअप है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया है और चेंज किया है इन लोगों ने, मतलब अपना नीचे का डेकोर वगैरह, इंटीरियर पूरा चेंज हुआ हुआ है इनका। ये आप देख सकते हैं टोटली डिफरेंट है इनका अंदर का इंडोर। सो यहाँ बैठने का सिस्टम बहुत अच्छा है, और यहाँ पर इनकी मशहूर सबसे ज़्यादा है बिरयानी। सो वही हमने यहाँ पर ऑर्डर की है। यहाँ पर इनका रायता, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्टी होता है। सो बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, यामी थी, 9/10। एंड फ्रेश दी थी, गरम गरम सर्व करी थी, सबसे अच्छा पॉइंट। सो यहाँ पर जल्दी जल्दी हम अपना खाना फिनिश करेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे। सो यहाँ पर अब ये मैं वेट कर रही हूँ, और ये है बिल, बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, दो बंदों का जस्ट 840 रुपीज़, बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेस्टोरेंट। और यहाँ पर ये आगा सज्जी है। तो अभी सॉफ्ट रोल के सामने ब्रांच थी, पर वो बंद थी, क्योंकि वो 4 या 5 बजे से कुछ खुलती है शाम के टाइम में। तो हम अभी ट्राई करेंगे हेलोडोज, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है यूट्यूब पर। हेलोडोज की आइसक्रीम मैंने पहले भी ट्राई आउट की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए मैंने बोला वापस यही ट्राई क्यों ना की जाए। तो अभी हम चलते हैं अंदर। ये इनकी सारी टॉपिंग है, मैंने यहाँ पर 120 रुपीज़ वाली आइसक्रीम बनवाई थी, जो कि इनके पास डिफरेंट डिफरेंट उसमें आती है, वाइट में, मिल्की में, डार्क में, डिपेंड करता है आपको कैसी लेनी है। तो ये इनकी टॉपिंग है, पहले ये डिप करते हैं चॉकलेट में, और फिर आपको ये, आप 3 टॉपिंग कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वॉलनट सेलेक्ट किया था, चॉकलेट चिप और कैश नट्स सेलेक्ट किया था, जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत यामी थी। इनका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड 120 रुपीज़ में इट्स नॉट बैड कि आपको इतनी अच्छी आइसक्रीम मिल रही है। सो डू ट्राई इट आउट। इनका एम्बियंस वगैरह भी अच्छा था, अंदर क्लीन था सेटअप भी। और यहाँ पर दूसरी जो हमने बनवाई थी, कोन बनवाई थी, वो भी चॉकलेट में ही बनवाई थी, चॉकलेट फाज कोन। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी ये आइसक्रीम डिफरेंट डिफरेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, फ्लेवर इनका बहुत अच्छा है। सो ये है इनका पूरा मेन्यू, जो कि इनके पास इतने सारे फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। इनके पास शेक्स हैं, इनके पास फालूदा भी है, आइसक्रीम्स हैं। सो डू ट्राई इट आउट, बहुत अच्छा आउटलेट है, बहुत अच्छा है, रीजनेबल है। सो दिस वाज इट फॉर द व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।